हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय से पाठ कर रहे हैं और कल हमने श्लोक संख्या 6 तक पाठ किया था। अब 7 नंबर से आगे पढ़ते हैं। यथा गोपयति विभोर यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्या पुरुष शक्ति परापमान आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। कल हमने देखा था किस प्रकार महाराज परीक्षित अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं कि उन्हें भगवान की सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, भगवान कैसे सृष्टि लीला करते हैं, उसके विषय में सुनना है। उसी संदर्भ में आगे पूछ रहे हैं। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृपया बताइए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों के इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और ये खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। जिस प्रकार एक जो खिलाड़ी होता है वो अपने खेल को सजाता है, थोड़े देर के लिए खेलता है और फिर समेट लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे रेत के समुद्र के तट पर रेत से खेलते हैं, कई बार वो लोग अपना महल बनाते हैं रेत का, थोड़ी देर खेलते हैं और फिर उसको मिटा देते हैं। तो उस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस संसार को बनाते हैं, कुछ समय इधर होता है, कुछ लीला होती है और फिर ये संसार विनष्ट हो जाता है। तो मुझे इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताइए। दीपिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। ठीक है, संजय प्रभु आप हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम हाँ पढ़िए। जी। प्रभु जी तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। कटोप निषेध 2.2.13 में भगवान के अन्य सभी नित्य जीवों में प्रधान नित्य जीव के रूप में नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनतनाम तथा एक एक में परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अन्य असंख्य जीवों का पालन करता है। एक संजय प्रभु पढ़िए, भगवान आवाज। स्वयं के विभिन्न विस्तारों तथा तीन प्रमुख शक्तियों द्वारा जिनके नाम अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति बहिरंगा हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार कठोपनिषद का ये जो वाक्य है बहुत ही फेमस वाक्य है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम योगिदति कामान। इसका मतलब है कि नित्यानाम बहुत सारे नित्य जीव हैं, बहुत सारे चेतन जीव हैं, लेकिन एक ऐसे आपकी ऐसे आवाज कट कट के आ रही प्रभु जी, अच्छे से नहीं आ रही। हरे कृष्ण अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक है आवाज? जी प्रभु जी, अब ठीक आई प्रभु जी। तो कठोपनिषद में बताया गया है किस प्रकार बहुत सारे जीव हैं जो नित्य हैं, बहुत सारे जीव हैं जो चेतन हैं, लेकिन परमात्मा जो स्वयं भी नित्य और चेतन है इन सभी जीवात्माओं का पालन पोषण करते हैं, वो परमेश्वर है। और ये कैसे अपने पालन पोषण करते हैं? तीन शक्तियों के माध्यम से, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। ये हमने पहले भी चर्चा किया है। अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की आध्यात्मिक प्रभु जी शक्ति। आपकी आवाज कट रही है। प्रभु जी फिर से वैसे कट कट के आ रही प्रभु जी। स्क्रीन अच्छा पर नहीं आ रहा एक प्रभु जी, उज्जैन में हूँ तो मेरे पास भागवत नहीं सेकेंड रुकिए। है। हरे कृष्णा अभी ठीक है थोड़ी आवाज?
प्रभु जी, अब ठीक आइए, इसके पहले कट कर। हाँ। इस प्रकार यहाँ पर तीन प्रकार की शक्तियों का वर्णन हो रहा है, और अंतरंग शक्ति मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, बहिरंग शक्ति मतलब भगवान की भौतिक शक्ति जो भौतिक संसार को क्रियाशील रखती है, और तटस्थ शक्ति मतलब जीव शक्ति। जीवात्मा तट पर स्थित है, या तो अंतरंग शक्ति के अधीनस्थ हो सकता है या बहिरंगा का, यह विकल्प उसके पास होता है। सुमन माता जी आगे पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए, सुमन माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जन्म प्रणाम। आपकी आपकी बहिरंगी तथा तटस्था नामक तीन प्रमुख शक्तियों द्वारा संपन्न करते हैं। सारे जीव उनकी तटस्था शक्तियां हैं, और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र होने के कारण सृष्टि करने का कार्यभार भी सौंपा जाता है, यथा ब्रह्मा मरीचि आदि, और उन्हें सृजन करने की प्रेरणा श्री भगवान देते हैं। तेने ब्रहादा बहिरंगी शक्ति माया को भी जीवों के अथवा बद्ध आत्माओं के व्याप्त किया जाता है। अबद्ध तटस्था शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती हैं, और श्री भगवान अपने विविध गुण विस्तारों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में से इसे बनाए रखते हैं। इस तरह एक ही श्री भगवान अपने आपको अनेक रूपों बहु श्याम में प्रकट करते हैं। इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं, और समस्त विविधताओं में वे कहते रहते हैं। यद्यपि इतने पर भी वे इन सबसे पृथक रहते हैं। यही है श्री भगवान की अचिंत्य योग शक्ति। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अनचित्य शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है। अनचित्य भेदा भेद तत्व। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। भेद मतलब अलग अलग, अभेद मतलब एक समान, अलग अलग नहीं। तो भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, और उनकी शक्तियों और उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान अपनी शक्तियों से भौतिक संसार का क्रियाशील करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते, वह अपने नित्य धाम में निवास भी करते हैं, तो उस प्रकार से वो उससे अलग भी रहते हैं। इसलिए एक ही समय पर अभेद और भेद दोनों भगवान की शक्तियों के माध्यम से देखे जाते हैं। जैसे प्रभुपद सरल उदाहरण देते हैं, कई बार एक प्रधानमंत्री पूरे देश में उपस्थित रहता है अपने अनुचरों के माध्यम से, लेकिन वो अलग से अपने भवन में भी उपस्थित रहता है। तो उस प्रकार से भगवान अपने धाम में नित्य रूप से निवास करते हैं, और शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणा दुर्विभाव्यम् इवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। फाइल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे विद्वान ब्राह्मण, श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है, और वे अचिंत्य प्रतीत होते, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहते हैं। हरे कृष्ण। अद्भुत कर्मणि भगवान का एक नाम है, अद्भुत कर्मणि, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत होते हैं, अचिंत्य होते हैं, उनको समझना बड़े बड़े मुनि ऋषियों के लिए भी कठिन होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते हैं, अपने मन से समझना असंभव है। अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, और वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं, और उनकी सृष्टि का यह अंश संपूर्ण सृष्टि का एक छोटा अंश मात्र है। यह भौतिक जगत के केवल अंश मात्र है। यदि एकांशेन स्थितो जगत, यदि यह कल्पना करें कि यह भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मद धाम या सनातन धाम के रूप में किया गया है।
हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि श्री भगवान पहले सृष्टि करते हैं और फिर उसे समेट लेते हैं। यह कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है क्योंकि उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग वैकुंठ लोक न तो सृजित होता है और न उसका विनाश होता है, अन्यथा उसे सनातन धाम न कहा जाता। श्री भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका सनातन नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व, ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों के प्रदर्शन है। श्री भगवान अनादि हैं, अर्थात ऐसे हैं जिनका कोई स्रष्टा न हो तथा आदि अर्थात सभी वस्तुओं के उद्गम कहलाते हैं। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि श्री भगवान भी सृजित होते हैं, लेकिन वेदांत हमें बताता है कि वे सृजित नहीं होते, प्रत्युत अन्य सारी वस्तुएं उनके द्वारा सृजित होती हैं। नारायण परो अव्यक्तात्। अतएव सामान्य व्यक्ति हेतु ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय हैं। ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य हैं। अतएव ये विद्वान एक दूसरे से विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड विशेष का भी, जो कि सृजित जगत का एक नगण्य अंश है, उन्हें पूरा पूरा ज्ञान नहीं है कि यह सीमित आकाश कितनी दूरी तक फैला है, या कि कितने नक्षत्र तथा लोक हैं, या कि इन अनंत लोकों में कैसी परिस्थितियां हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों को तो इन सबके विषय में अपर्याप्त ज्ञान है। उनमें से कुछ भगवान का मतलब ही है जो अचिंत्य हो, जो सभी के स्रोत्र हो। अगर भगवान सुगम रूप से किसी के भी एक्सपेरिमेंट में समझ में आ जाते तो भगवान नहीं होते। अगर किसी भी वस्तु का स्रोत्र भगवान से नहीं आया है तो वो भगवान नहीं है। हर वस्तु के स्रोत्र भगवान है, हमारी बुद्धि के स्रोत्र भी भगवान है। तो इसीलिए हम लोग अपनी जड़ बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। और यही कारण है कि अलग-अलग जो वैज्ञानिक हैं या मुनिगण भी हैं, जो अपने मस्तिष्क के प्रयास से, जो अपने ज्ञान के प्रभाव से भगवान को व्याख्या करना चाहते हैं, वो अलग-अलग व्याख्याएं इसलिए देते हैं क्योंकि वो भगवान को वास्तव में अपने ज्ञान से समझ ही नहीं पाते हैं। ये अपर्याप्त ज्ञान है भगवान को समझने के लिए, भगवान के द्वारा ही बताए गए मार्ग को अनुगमन करना हो, जो शुद्ध भक्तों ने भगवान के भक्ति के माध्यम से उनको प्राप्त किया है, उनसे ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं भगवान के विषय में। प्रभुपाद एक वैज्ञानिक का उदाहरण दे रहे हैं। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। उनमें से कुछ यह विचार प्रकट करते हैं कि सारे आकाश में 10 करोड़ लोक है। 21 फरवरी 1960 को मास्को से एक समाचार विज्ञापित हुआ जो इस प्रकार था। रूस के प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर बोरिन वोरोनसोव वेलियामी नोव ने कहा कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य लोक होने चाहिए जहां तर्कशील प्राणियों का निवास है। ऐसा संभव है कि ऐसे लोगों को पृथ्वी जैसा ही जीवन ऐसे लोकों में पृथ्वी जैसा ही जीवन फल फूल रहा हो। रसायन विज्ञान के डॉक्टर निकोलाई चिरो ने अन्य लोकों के वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए इंगित किया है कि उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि मंगल लोक का जीव शरीर के कम ताप से सामान्य जीवन के लिए अपने को अच्छी तरह अनुकूल बना सका। उसने कहा कि उसे लगता है कि मंगल लोक के वायुमंडल का संगठन उस लोक के अभ्यस्त प्राणियों के जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त है और उन्होंने अपने को तदनुसार ढाल लिया है। विभिन्न लोकों में प्राणु प्राणी की अनुकूल क्षमता का वर्णन ब्रह्म संहिता में विभूति भिन्नम के रूप में वर्णित है, अर्थात ब्रह्मांड के असंख्य लोकों में से प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का वायुमंडल है और वहाँ के प्राणी विज्ञान तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी बढ़े चढ़े है क्योंकि वहाँ का वायुमंडल बेहतर है। विभूति का अर्थ है विशिष्ट शक्तियां और भिन्नम का अर्थ है विविध। जो विज्ञानी बाह्य अंतरिक्ष की खोज करने का प्रयास करके यांत्रिक व्यवस्था द्वारा अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि जिन प्राणियों के शरीर को पृथ्वी के वायुमंडल के अनुकूल है, वे अन्य लोकों के वायुमंडल में नहीं रह सकते। हमारी अन्य लोकों की सुगम यात्रा पुस्तक देखे। मनुष्य को इस शरीर को त्यागने के बाद एक भिन्न लोक में जाने के लिए अपने को तैयार रखना होगा, जैसा कि भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 में कहा गया है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्यानि जो अपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। तो यहाँ भगवान पर की अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जो पृथ्वी पे जीवन देख रहे हैं उसके बाहर कोई जीवन नहीं, ऐसा नहीं है।
ये जीवन हर क्षेत्र में है, हर ग्रह पर है। इसलिए भगवान की जो सत्ता है वो केवल पृथ्वी पर सीमित नहीं है, पूरे विश्व में भगवान जीवात्माओं का पालन करते हैं और जीवात्मा अपने आराधना के माध्यम से, अपने आकर्षण के माध्यम से दूसरे ग्रह पर जाती है। जैसे अगर देवताओं के प्रति आसक्त है और उस चेतना में अपने शरीर को छोड़ती है तो देवलोक को जाती है, उसी प्रकार पितृ लोक या फिर अलग-अलग जो योनियां हैं उन सब में उनका विचार होता है आसक्तियों के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान की सत्ता हर ग्रह पर लगती है और जीवात्मा अपने आसक्ति के माध्यम से उधर जाता है। अनीता माता जी आगे पढ़िए। ओके, मित्रविंदा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भगवान हरे की कृष्ण सत्ता प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु नाना जी मैं कह परीक्षा रही हूँ प्रभु ओके ओके ठीक है, मित्रविंदा माता जी आप पढ़िए। जी। व्यक्तित्व यह बताता है कि वे सृष्टि प्रक्रम के विषय में सब कुछ जानते थे, तो फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ऐसी जानकारी क्यों चाही। पांडव ने पांडव की वंशज महाराजा परीक्षित महान सम्राट सम्राट थे तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। अतः वे जगत की सृष्टि के विषय में कुछ बहुत कुछ जानने में सक्षम थे, लेकिन उनका यह ज्ञान इतना पर्याप्त ना था। इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान काफी प्रयत्न करने के बाद भी इसे जानने में असफल रहते हैं। भगवान अनंत है और उनके कार्यकलाप भी या अथाह है। सीमित ज्ञान तथा अपूर्ण इंद्रियों के कारण कोई भी जीव, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पूर्ण जीव ब्रह्मा जी भी अनंत अनंत के विषय में जान लेने में की कल्पना तक नहीं कर सकते। हम अंत के विषय में थोड़ा बहुत तभी समझ सकते हैं जब यह अनंत द्वारा बताया जाए, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में विशिष्ट वचनों से बतलाया है। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी इस बारे में कुछ हद तक जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने नारद के शिष्य व्यास देव से इसे सीखा था। इस तरह शिष्य परंपरा के श्रृंखला द्वारा ही पूर्ण ज्ञान प्रकट हो सकता है, किसी भी प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक। हरे कृष्ण स्वयं तो प्रभु महाराज परीक्षित जो इतने विद्वान थे, जो इतने बड़े कुल में जन्म लिए थे, वह भी जानते थे कि मेरे स्वयं के ज्ञान से मैं भगवान को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकता। इसलिए उन्होंने गुरु को समर्पण किया और गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान को प्राप्त करने से भगवान के विषय में हम लोग ठीक प्रकार से जान पाते हैं, स्वयं के अनुभवों से संभव नहीं। यथा गुणांस्तु प्रकृतिर्युगापत् क्रमशोऽपि वा विभर्ति भूरिशस्त्वेका कुर्वन् कर्मणि जन्मभि। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। दंड बढ़ाओ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वह प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। हरे कृष्ण दंड बढ़ाओ। तो यह जो भ्रांति है, कई बार हिंदू समाज में हम लोग सोचते हैं कि कई बहुईश्वरवादी हम लोग हैं। बहुईश्वरवादी कैसे हो सकते हैं? जिस प्रकार एक संतान के कई पिता नहीं हो सकते, उसी प्रकार भगवान भी बहुत सारे नहीं हो सकते, भगवान एक ही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए वो अलग अलग रूप लेते हैं या अपनी शक्तियों के माध्यम से उन कार्यों को करते हैं, अलग अलग विस्तार लेते हैं, उनके विस्तारों के विस्तार भी होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग रूप लेकर के भगवान प्रकृति को संचालित करते हैं, लेकिन भगवान का अस्तित्व एक है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। विचिक्षितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शब्दे ब्रह्मणि निष्णाता पारस मीमस च भवान खलौ। विनोद प्रभु पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्म सिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, अतएव आप भगवान के ही समान हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो अब किस तरह प्रश्न पूछना चाहिए? परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि
देखिए, आप केवल वैदिक साहित्य के ज्ञाता नहीं है, वैदिक साहित्य बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप अध्यात्म में सिद्ध व्यक्ति हैं। आपने अपनी साधना से, अपनी भक्ति से अपने आप को परिपक्व कर लिया है, और आप भगवान के इतने निकटतम व्यक्ति हैं, इतने प्रिय भक्त हैं कि आप भगवान तुल्य ही हैं। क्योंकि जब कोई बहुत बड़े व्यक्ति का बहुत निकटतम व्यक्ति होता है, तो जो कार्य वह बड़ा व्यक्ति कर सकता है, वही कार्य उनका निकटतम व्यक्ति भी करता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री से हमारी पहचान ना हो, लेकिन उनके पीए से, असिस्टेंट से पहचान हो, तो वह कार्य सिद्ध करा देगा। उसी प्रकार से यहाँ सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप भगवान कितने निकटतम हैं, भगवान के ही समान हैं, मतलब आप सब कुछ जानते हैं, तो आप हमको थोड़ा भगवत ज्ञान में आगे प्रेरित कीजिए। संजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद श्री भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व यद्यपि अद्वितीय है, तथापि वे अपने आप को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, और यद्यपि वे आदि पुरुष हैं तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और अस्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का अध्यात्म ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उन्हें उनके शुद्ध भक्त सरलता से उनका अनुभव कर पाते हैं। श्री भगवान के विभिन्न रूपों के विस्तार, सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न, तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, और उनसे नारायण पुरुषावतार तथा अन्य असंख्य रूप, जो नदी की असंख्य तरंगों की तरह निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, वे सब एक ही हैं। वे समान शक्ति वाले दीपकों की तरह हैं, जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यही श्री भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण हैं कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता जगत उनसे उद्भूत होती है, फिर भी वे ज्यों के त्यों पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अतएव मानसिक तर्क करने वालों के द्वारा बनाई गई श्री भगवान की भौतिक अवधारणा की कोई वैधता नहीं है। इस तरह वे भगवान संसारी विद्वानों के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना भी पंडित क्यों न हो। वेदेशी दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। अतएव श्री भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों या विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे हैं। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में श्री भगवान घोषित करते हैं कि ज्ञान की अवस्था को पार करने के पश्चात जब मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में, सेवा में लीन होकर समर्थ बनता है, तभी वह श्री भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में, सेवा में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वह श्री भगवान या उनके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीला इत्यादि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा प्राप्त नहीं कर सकता। श्री मद् भगवद गीता का यह कथन कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यस्तताओं से मुक्त होकर श्री भगवान की शरण में जाए, यह बताता है कि मनुष्य को बिना किसी शर्त के श्री भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्ति में, सेवा के बल पर उन्हें जान सकता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे एक दीपक से हम बहुत सारे दीपक जला सकते हैं, और वो सभी दीपक अपने आप में प्रकाश देने के लिए पर्याप्त हैं। उसी प्रकार भगवान अपने कई अवतार, कई अंशों के माध्यम से यहाँ सृष्टि में आते हैं, और वो सभी बहुत शक्तिशाली होते हैं। भगवान की सारी शक्तियों को लेकर के वो अवतार अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। तो अब उन अवतारों को समझना, भगवान की शक्तियों को समझना, भगवान के स्वभाव को समझना, यह सब समझना प्रायः बड़ा कठिन है। इसीलिए लोग अपने अपने विचार भगवत तत्व के बारे में रखते हैं, स्वयं भी पथ से च्युत होते हैं, दूसरों को भी बहुत संशय में डाल देते हैं। लेकिन वेदेषु दुर्लभम, जो वेदों में भी दुर्लभ है, अदुर्लभम आत्मभक्तो, भक्तों के लिए अदुर्लभ है, भक्तों के लिए बड़ा सहज है,
इसीलिए शुद्ध भक्तों को भगवान के विषय में ज्ञान होता है और केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। तो जैसे ही व्यक्ति अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, भगवान के नाम गुण लीलाओं के इत्यादि के माध्यम से भगवान की चेतना में और बढ़ता जाता है, लेकिन बिना भक्ति के भगवान को जानना असंभव है। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण को भी दंडवत प्रणाम। पिछले श्लोक में महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया है कि श्री भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए अचिंत है, तो वो श्री गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। श्री सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान थे, अपितु वे महान स्वरूप सिद्ध पुरुष और श्री भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से श्री भगवान का शक्तिशाली भक्त श्री भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। श्री भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि अपने प्रिय भक्तों को अपने से ही बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। श्री भगवान ने श्री दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यद्यपि श्री दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि भौतिक दशाओं में ही श्री भगवान के पास सीधे पहुंच गए, लेकिन श्री दुर्वासा मुनि की रक्षा की तो एक भगवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने। अतः भगवत भक्त न केवल श्री भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु तो भक्त की पूजा भी श्री भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मद भक्त पूजा भय अधिका। अतएव निष्कर्ष निकलता है कि गंभीर भक्तों को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो अपितु महान भक्त भी हो, जिसे श्री भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति श्री भगवान के अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु न केवल श्री भगवान की अंतरंगी शक्तियों के विषय में बताते हैं, अपितु वे यह भी बताते हैं कि किस तरह अपनी बहिरंगी शक्तियों के साथ रहते हैं। अंतरंगी यद्यपि शक्ति श्लोक में बताया गया है, यद्यपि श्लोक में बताया है कि आप भगवान जैसे ही हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं नहीं नहीं भगवान जैसे तो है ही, भगवान से बढ़कर हैं भक्त लोग, क्योंकि जो कार्य भगवान स्वयं नहीं करते हैं भक्तों के माध्यम से कराते हैं। यह उदाहरण दे रहे हैं, भगवान रामचंद्र तो पुल बना के गए, हनुमान जी को पुल की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऐसे ही कूद के चलेंगे। तो भक्तों की महिमा ज्यादा भगवान प्रकाशित करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो ज्ञान वेदों के माध्यम से भगवान हम तक पहुंचाना चाहते हैं और समझने में हमको इतनी कठिनाई होती है, सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त जब उसी ज्ञान को बताते हैं, बड़ी सरलता से वह ज्ञान जीवात्मा के हृदय में प्रवेश कर जाता है, इसीलिए वह भक्त लोग ज्यादा महान बताए गए। युगल प्रिय माता जी पढ़िए। ओके सोनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। बहिरंगा शक्ति से प्रभु जी, हाँ पढ़िए। अंतरंगा शक्ति में, अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती हैं, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारण कारण वश वशी विष्णु गर्भोदशक विष्णु तथा क्षीरोदशक क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूपों में प्रकट होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णवों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों यथा रासलीला के सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु तो उनके पुरुषावतारों के रूपों रूप में की गई सृष्टि तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए। जैसे कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु शुकदेव गोस्वामी से ली थी। हरे कृष्णा। तो जैसे आप कोई भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो हर स्टेप इम्पोर्टेंट है। आप अगर कोई भी स्टेप बीच में भूल जाएंगे करना तो भोजन ठीक प्रकार से बनेगा नहीं। उसी प्रकार से जैसे जैसे परीक्षित महाराज ने भागवत श्रवण किया है, वह जब श्रवण करेंगे तो जिस प्रकार महाराज परीक्षित भगवत धाम गए थे, हम भी जा सकते हैं।
लेकिन हम बीच में कोई चीजें छोड़ देंगे, ठीक प्रकार समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर वह रिजल्ट कैसे आएगा जो महाराज परीक्षित को आए। तो उन्होंने पूरी लीलाएं सुनी, लेकिन उसके पहले भगवान की सृष्टि, शक्तियां, अवतार इत्यादि के बारे में भी उतने ही उत्साह से सुना जितने उत्साह से वृंदावन की लीला। तो उसी प्रकार से हमको भी यह सब सिद्धांतों को बड़े उत्साह के साथ पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सुतोवाच इति उपामंत्रितो गुणानुकथने हरे ऋषिकेश अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुत गोस्वामी जी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त तो उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले, हरे कृष्ण प्रभु। तो जब भी भगवान के विषय में हम बोलते हैं तो हमें भगवान का स्मरण करके, प्रार्थना करके, मंगलाचरण करके फिर शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये बोलने की शक्ति हमारी नहीं है, ये वास्तव में भगवान की कृपा से भक्त वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए आगे उत्तर दिया। अनीता सबले माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना करना होता है, तो वे यह नहीं सोचते कि वे कोई कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे तभी ऐसा कर सकते हैं कि जब इंद्रों के स्वामी भगवान उन्हें बोलने की प्रेरणा न देते दे जीव की इंद्रियों उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसे इंद्रियों परमेश्वर की है, और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है कि जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियों तो यंत्र है और तत्व तो अवयव है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है। अयतएव मनुष्य जो भी करता बोलता देखता है वह केवल भगवान के निर्देश पर करता है। भगवत गीता 15.15 में इसकी पुष्टि करती है कि सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानमपोहनश्च। कोई भी स्वतंत्र भाव में से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है। एतयो मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने और यहाँ बोलने की अनुमति भगवान से लेनी चाहिए, और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बद्ध जीव द्वारा किए गए 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। हरे कृष्णा। तो भक्त पूर्ण रूप से विश्वास रखता है कि ये इंद्रियां भगवान के नियंत्रण में है। हम तो यंत्र को चला रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से ही ये यंत्र कार्य करता है। तो इसी प्रकार भक्त भगवान से अनुमति मांग के सारे क्रिया करता है, और इसलिए उनकी क्रियाएं 4 दोषों से मुक्त होती हैं। ये 4 दोष हमने पहले भी चर्चा किए थे। ये 4 दोष क्या है? पहला है अपूर्ण इंद्रियां, इंद्रियां अपूर्ण है। जब अपूर्ण इंद्रियां हैं तो वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं। जैसे कि हम कभी आकाश में देखते हैं तो हमको दिखता है कि आकाश और जमीन मिल रही है, वास्तव में ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम एक फ्रीक्वेंसी रेंज में ही सुन सकते हैं, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर नहीं, अपूर्ण इंद्रिया। जब इंद्रियां अपूर्ण हैं तो क्या होता है, हम मोह में पड़ जाते हैं, हम गलत को सही मान बैठते हैं। जैसे कभी आप गर्मी के मौसम में जाते हैं, दूर में पानी दिखता है, रोड में भी पानी दिखता है, लेकिन वह केवल मृग तृष्णा है, वह वास्तव में पानी है नहीं, तो मोह में पड़ जाते हैं। और इस मोह के माध्यम से हम गलतियां करते हैं। जब गलतियां करते हैं तो फिर उन गलतियों को छुपाते भी हैं, तो फिर उसके लिए, त्रुटियों को छुपाने के लिए हम लोग चीटिंग करते हैं। तो इस प्रकार की 4 बद्ध अवस्था की मुश्किलें हैं, दोष हैं। इन सिद्धांतों से हम कब मुक्त हो पाते हैं? जब हम भगवान के आश्रय में रह के कार्य करते हैं। सुतोवाच इति उपा ओ सॉरी श्रीशुकोवाच नमः परस्मै पुरुषस्य भूयसे षद उभव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति प्रत्याय देहिनां
अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीन गुणों के को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करते हैं, करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंतनीय है। हरे कृष्ण प्रभु। यद्यपि भगवान का इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भौतिक जगत की सृष्टि के लिए वो तीन गुणों को स्वीकार करते हैं, जिन्हें गुण अवतार बोला जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव ब्रह्मा जी के माध्यम से रजोगुण का विस्तार भगवान करते हैं, रजोगुण को क्रियाशील करते हैं, भगवान विष्णु के माध्यम से सतोगुण को क्रियाशील करते हैं और भगवान शिव के माध्यम से तमोगुण को क्रियाशील करते हैं और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप से स्वयं निवस्थान करते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं किस प्रकार उनके जीवन में उनको कार्य करना है। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह भौतिक जगत सतो रजो तथा तमो गुणों की अभिव्यक्ति है और इस भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए परमेश्वर ब्रह्मा श्री विष्णु तथा शंकर जी शिव इन तीन प्रमुख रूपों को स्वीकार करते हैं। विष्णु के रूप में वे भौतिक रूप से सृजित प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में वे प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर परह पुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 18 में वर्णन आया है। वे परम पूर्ण है, अतएव सारे पुरुषावतार उनके पूर्ण विस्तार है। भक्ति योग ही वह एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। चूंकि ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अतएव वे अनुपल अनुपलक्ष वर्तमने अर्थात अचिंत्य गतिविधि वाले या भक्ति योग वाले श्री भगवान कहलाते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान हर वस्तु को क्रियाशील करने के लिए अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। ब्रह्मांड चलाना हो, चाहे कोई ग्रह चलाना हो, चाहे जीवात्मा के जीवन को क्रियाशील रखना हो, भगवान अलग अलग रूपों में निवास करते हैं और उन वस्तुओं को क्रियाशील करने में अपनी शक्तियों का संचार करते हैं। भूयो नमः सद्विजिन चिन्ते सताम मसंभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसाय आश्रमे व्यवस्थितानां मनोमृग्यदाशुषे। रेखा माता जी पढ़िए अनुरोध करके। अनुवाद पढ़िए। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को सहज संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों को नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान का पूर्ण रूप, उनका जगत रूप, विश्व रूप जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भौतिक पदार्थों का बना हुआ है, और उनका आध्यात्मिक रूप जो चिन्मय शरीर है, जो अवतारों के माध्यम से भगवान जो अपने आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उस रूप के दोनों को ही सुखदेव गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति का पालन करने वाले तो भगवान है। जैसे कि पुण्यात्मा भक्तों के संकटों से मुक्ति देते हैं, जो असुरिक प्रवृत्ति के उनकी नास्तिक मनोवृत्तियों को दमन करते हैं, योगियों के हृदय में निवास करते हैं, इस प्रकार से हर जीवात्मा का पालन करने वाले जो भगवान है उनको सुखदेव गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही के पूर्ण रूप है। अखिल का अर्थ है पूर्ण अथवा जोखिल या निकृष्ट नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि प्रकृति दो तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियां हैं। भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती है। अतएव भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वे तो पूर्ण
ब्रह्म है, वे मूर्ति हैं अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। अल्पज्ञानी व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र है। यस्य प्रभा, भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। अतएव भगवान भी अपनी अहेतुकी कृपा का प्रतिदान करते हैं और अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबारते हैं। वे पवित्र आत्मा जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय है, अतएव वे उनकी भी रक्षा करते हैं। दुरात्मा तथा अभक्तगण वेदों के नियमों के विरुद्ध रहते, अतएव ऐसे व्यक्तियों के निंद्य कार्यकलापों की प्रगति में बाधा डाली जाती। इनमें से कुछ जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हीं के द्वारा मारे जाते, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध, भगवान एक पिता के भांति सबों पर दयालु है। तो भगवान अपनी दोनों शक्तियों के माध्यम से अपना कार्य करते हैं, चाहे वो असुरों को दमन करना हो, चाहे वो भक्तों को प्रोत्साहन करना हो, दोनों ही भगवान की अनुकंपा है। क्योंकि असुर अगर अपने कार्यकलापों में और ज्यादा पाप कृत्य करेंगे तो उनका जीवन नष्ट होगा, और भक्त लोग अगर अपने जीवन में समस्याओं का सामना करेंगे तो भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की यथा रूप भगवान मदद करते हैं। जिस प्रकार पिता अपने सारे बच्चों को प्रेम करता है, भगवान भी सारे जीवों का पालन करते हैं। पूजा माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार केवल परमहंस ही श्री भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह अध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं कुटीचक, बहुधक, परिवाकाचार्य तथा परमहंस। इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया है। प्रथम स्कंद अध्याय 8। सामान्यतया परमहंस निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार, जैसा कि कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही परम भक्ति योग को समझ पाते हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि श्री भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं। परित्राणाय नाय साधुना, इस तरह एक प्रकार से अंतोद्गोत्वा परमहंस श्री भगवान के अनन्य भक्त ही है। श्रील जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि सर्वोपरि गंतव्य तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वे ही वास्तव में परमहंस है। चूंकि श्री भगवान सब पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः जो निर्विशेषवादी श्री भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता 4.11 में सबको आश्वस्त किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। श्री विश्व नाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की दो श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदी भक्त, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ब्रह्मानंदी तथा प्रेमानंदी ये दोनों अध्यात्मवादी है और इन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से भरी हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो चार प्रकार के संन्यासों का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं, ये आप याद रख सकते हैं। प्रथम है कुटीचक। कुटीचक मतलब जिन्हों आध्यात्मिक वैराग्य है लेकिन परिवार उनका पालन पोषण करते हैं, वो परिवार घर के पास में ही रहते हैं और परिवार उनको पूरा पालन पोषण खाद्य इत्यादि देते हैं, और जब उनका संन्यास और वैराग्य पूर्ण हो जाता है तो बहुदक दूसरी श्रेणी है। बहुदक मतलब
अब वो अपने परिवार के ऊपर ही निर्भर नहीं करते हैं, अब वो भिक्षा करते हैं, अलग अलग गांव में जो लोग हैं उनके पालन पोषण में उनकी मदद करते हैं और वो अपना समय आध्यात्मिक चेतना में लगाते हैं। उसके बाद तीसरा होता है परिव्राजक। परिव्राजक मतलब जो फिर एक स्थान पे नहीं रहते, वो अलग अलग स्थानों में भ्रमण करते हैं प्रचार कार्य के लिए, भगवत चेतना जगाने के लिए। उनको फिर अपने शरीर पे आसक्ति नहीं होती, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं प्रचार कार्य करते हैं और जो जैसे रखता है जैसे उनका पालन पोषण करता है वो भगवान की कृपा मान के उसको स्वीकार करते हैं। और चौथा है परमहंस। परमहंस मतलब अब वो पूरी भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठ गया है, वो चाहे एक स्थान पर रहे चाहे भ्रमण करे, वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है। ऐसे परमहंस दो प्रकार के होते हैं, एक निर्विशेषवादी एक भक्त। निर्विशेषवादी यद्यपि उनका उनका पथ बड़ा कठिन है, भगवान की पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन भक्त अपने भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम को विकास करते हैं और भगवान के साथ आदान प्रदान उनके उनका होता है और वह पूरे समस्त भौतिक कल्मशों से ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो परमहंस आध्यात्मिक भक्त हैं वह भगवान को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं, ऐसा कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बताती। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से महाराज परीक्षित को भगवत तत्व के विषय में बता रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण यह ज्ञान है, इससे हमारे बहुत सारे जो भ्रांतियां हैं उनका निवारण होगा। तो बहुत गंभीरता से हमको इसका पठन श्रवण करना है। कल हम लोग श्लोक संख्या 14 से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की। हाँ, कौन बोल रहे थे? प्रभु जी, आपने जो तीसरा संन्यास बताया ना परिव्रजक, वो दोबारा बता दीजिए। पहला है कुटीचक, हाँ जी, दूसरा है बहुधक, तीसरा है परिव्राजक। परिव्राजक मतलब जो भ्रमण करते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, वो एक गांव से आसक्त नहीं, वो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और जो जैसा जहाँ रखता है वैसे सेवा स्वीकार करते हैं और भगवान की चेतना में निमग्न रहते हैं। और चौथे हैं परमहंस, जिनका भौतिक पूरे कलमश खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। मित्रविंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक में कंफ्यूजन है, जैसे अभी एक श्लोक में आया कि भगवान की भक्ति, यानी भगवान की भक्ति करना है तो भगवान को, अपन को भगवान के विषय में जानना पड़ेगा, तब अपन को भक्ति मिलती है। और फिर बोलते हैं कि भगवान की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, तो इस दोनों में क्या भेद है? देखिए, भगवान को जाने बिना हम समर्पण कैसे करेंगे और समर्पण किए बिना भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त करेंगे? दोनों जरूरी है। जैसे माता यशोदा जब कृष्ण को बांधती हैं, अथक प्रयास करती हैं, पूरा पसीने में जब लथपथ हो जाती है तब भगवान कृपा करते हैं, बोलते ठीक है अब मुझे बांध दीजिए। तो उस प्रकार से हमारा प्रयास करना तो जरूरी है। हम जब भगवत चेतना में अपने आप को डुबाते हैं, भगवान के विषय में ज्यादा ज्यादा जानते हैं, तो हमारा आकर्षण प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है और जब वो आकर्षण बढ़ता है तो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं। उस लालसा को देख करके भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 रुपए का सिक्का है और 4-5 भिक्षुक आपके सामने खड़े हैं, तो आप किसको देंगे? तो आपको ज्यादा दयनीय दिखेगा, जो ज्यादा करुणा आपको जिसके ऊपर आएगी उसके ऊपर देंगे। तो आप भगवान की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती है, लेकिन हम कितने उत्सुक हैं, कितने लालायित हैं, यह देखते हैं भगवान। ठीक है, आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो शब्द है और जो इसका विस्तार से थोड़ा वर्णन आपके मुख से सुनना चाहूंगा। देखिए, सामान्यतः लोग जब भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं तो कई धारणाएं लोगों के मन में होती है। कई लोग निराकार ब्रह्म को भगवान बोलते हैं, कई लोग हृदय में बैठे परमात्मा को भगवान बोलते हैं। तो वह संशय को दूर करने के लिए आचार्य लोग भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम हो। पूर्ण मतलब जैसे कई भगवान के अंश हैं, देवी देवता हैं,
या फिर कई भगवान के अवतार हैं जो अंशों के अंश हैं, उनमें पूर्णता नहीं होती है। जैसे भगवान की जो जीवात्मा अंश है वो भगवान के बहुत ही छोटे अंश हैं, वो पूर्ण भगवान नहीं है। जैसे एक उदाहरण के लिए, आप सोने की खदान से अगर 2 ग्राम सोना लेके आ जाए तो वह सोने के अंदर भी पूरे सोने की खदान जैसे गुण होंगे, लेकिन वह सोने का छोटा सा अंश खदान के बराबर नहीं है। खदान पूर्ण है लेकिन जी यह सोना छोटा सा अंश है। उसी प्रकार से पूर्ण का अर्थ है जो पूर्ण है, जो किसी का अंश नहीं है। सब बाकी उसके अंश हैं, प्रकृति उसकी अंश है, जीव उसके अंश है, सारी शक्तियां उसकी अंश हैं, लेकिन वह पूर्ण है। दूसरा पुरुषोत्तम, पुरुष का अर्थ है जिसका आकार है, जो व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि कोई कोई प्रकाश को हम भगवान बोल रहे हैं या कोई शक्ति को हम भगवान बोल रहे हैं, नहीं, वह भी व्यक्ति है। अगर हमारा रूप है तो हमारा रूप कहाँ से आया? जिसका रूप है उसी तरह से तो हमका रूप आएगा। अगर भगवान के अंदर रूप नहीं है इसका मतलब वो अपूर्ण है। तो भगवान पूर्ण है, उनके अंदर रूप भी है, शक्ति भी है, निराकार रूप भी है, साकार रूप भी है, इसलिए पुरुष। लेकिन कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो पुरुषोत्तम, वो उत्तम पुरुष है। हम अधम पुरुष हैं, हम अधम जीव हैं, लेकिन भगवान उत्तम है, वह पुरुषोत्तम है। इसीलिए बोला जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कि जो पूर्ण है और जो एक व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तम है, जो सर्व सभी कामों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार से आचार्य लोग भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, जिससे कोई भी निराकार व्यक्ति ये नहीं बोले कि भगवान निराकार है। ठीक है, ठीक है प्रभु, धन्यवाद। अजय प्रभु लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि कल के आपकी कक्षा मतलब ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो उसके लिए किस लिंक पर जाकर के मतलब मुझे लेक्चर मिल पाएगा आपका? जी मैं आपको भेजता हूँ। आप ग्रुप में हैं, भागवत प्रवेश है, तो जी प्रभु जी, मैं वहाँ वहाँ पर द्वितीय स्कंध के सारे जो रिकॉर्डिंग्स है हमारे स्टडी सर्कल के, मैं उस पर शेयर कर देता हूँ। जी प्रभु, थैंक ठीक है, यू हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समय की जय। गौर प्रेमानंद हरि। हरे कृष्ण।